नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी बाल विकास की क्लास में। और मैं नीतीश आपके स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी बाल मनोविज्ञान की क्लास में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग तीन मनोवैज्ञानिकों के बारे में बात कर रहे थे। जो हमारे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिसके बारे में हमने बात की थी वो थे लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की, जिन्होंने पिछली क्लास देखी होगी। उन्होंने बहुत अच्छे से वाइगोत्स्की साहब के बारे में जान लिया होगा और एक एक तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य जो भी थे वो बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझ लिए होंगे। काफी बातें की थी हमने वाइगोत्स्की के बारे में। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो तीन मनोवैज्ञानिक हैं इनके बारे में बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते आए हैं सीटेट में। कम से कम अगर इन तीनों मनोवैज्ञानिकों की बात करें, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग और पियाजे, इन तीनों मनोवैज्ञानिकों की अगर हम लोग टोटल बात करते हैं तो कम से कम आपके एग्जाम में आ जाते हैं 10 प्रश्न। मतलब 10 नंबर अकेले ये लोग लेके आते हैं, सिर्फ तीन मनोवैज्ञानिक। तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा भी था अपनी पिछली क्लास में वाइगोत्स्की के बारे में, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। और अपनी आज की क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है, आज की क्लास में हम लोग को जानना है लॉरेंस कोहलबर्ग साहब के बारे में। किसके बारे में? लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग, शुरू करते हैं फिर अपनी आज की क्लास लॉरेंस कोहलबर्ग सर के बारे में। सबसे पहले जानना है कि ये कहां के थे, क्या काम करते थे, ये जानना है हमें। तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे ये आपके, ये जर्मन मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। जर्मन मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, ये मतलब समझ में आया ना बेटा? क्या होता है जर्मन मूल का अमेरिकी मनोवैज्ञानिक का? रहने वाले जर्मनी के थे, मतलब इनका माता पिता इनके जर्मनी के थे, लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई काम धाम जो भी किया है, मतलब जो भी स्टडी हुई वो अमेरिका में हुई, इसीलिए इनको अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहा गया। पर इनका बर्थ प्लेस कहाँ का था या नेटिव प्लेस कहाँ था, जैसे अभी आप लोग भारत में रहते हो, भारत के रहने वाले हो और यहाँ पढ़ाई लिखाई करो, उसके बाद जाके सारा काम धाम जो अपना रिसर्च वर्क है वो जाके अमेरिका में कर डालो, तो हम क्या कहेंगे कि आप एक अमेरिकी, भारतीय मूल के एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि आपका बर्थ प्लेस हमेशा बर्थ प्लेस होता है आपका जन्मस्थान, इसीलिए जन्मस्थान को इतनी इज्जत मिलती है क्योंकि वो नाम हमेशा जुड़ा रहता है। तो आप भारतीय मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहलाओगे, वैसे ही ये जर्मन मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जर्मन मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। फिर इसके बाद दूसरी पॉइंट आती है कि इन्होंने अपना काम धाम किस पे किया, किस वजह से इनको इतनी प्रसिद्धि मिली, इन्होंने क्या बताया विकास के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो ये तीनों मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने किसी ना किसी विकास के बारे में ही बात की है। तो इन्होंने बात की है नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में? लॉरेंस कोहलबर्ग ने बात की है नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। इन्होंने कहा है कि हमारा जो विकास होता है वो सब नैतिकता की वजह से होता है, हमारा जो विकास होता है वो नैतिकता की वजह से होता है, बालक का जो भी विकास होता है वो नैतिकता की वजह से होता है। तो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। ये हो गई दूसरी बात। याद रखना है कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया, सिद्धांत में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। फिर दूसरी चीज आती है, यहां से आपसे अक्सर एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको तुरंत आंसर आना चाहिए कि नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग साहब ने दिया था। ठीक है, फिर यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रयोग किस पर आधारित था। तो हिंज ने अपना प्रयोग जो किया था, सॉरी कोहलबर्ग ने अपना प्रयोग किस पे किया था, यह क्वेश्चन आता है। तो कोहलबर्ग ने अपना प्रयोग जो किया था वो हिंज नामक एक व्यक्ति पर किया था। ठीक है, इनका प्रयोग किस पर आधारित था? तो इनका प्रयोग हिंज नामक एक व्यक्ति पर आधारित था।
इनका प्रयोग एक हिंज नामक व्यक्ति पर आधारित था। हिंज नामक एक व्यक्ति पर आधारित था। तीसरी पॉइंट हमारी है, हिंज की पत्नी को कैंसर था। हिंज की पत्नी को, हिंज की पत्नी को एक प्रकार का, हिंज की पत्नी को एक प्रकार का कैंसर था। क्या था? हिंज की पत्नी को एक प्रकार का कैंसर था। अब सुनो, यहां से हिंज की कहानी पहले जान लो। देखो, कोहलबर्ग साहब ने जो सिद्धांत दिया वो नैतिक विकास का सिद्धांत था, ठीक है। उनका सिद्धांत किस पे आधारित था? तो हिंज नामक एक व्यक्ति पर आधारित था। हिंज की क्या कहानी थी? हिंज की पत्नी को एक प्रकार का कैंसर था। अब कहानी सुनो, बहुत अच्छी सी कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूं। बहुत ध्यान से सब लोग सुनेंगे, पढ़ाई भी हो जाएगी, कहानी भी हो जाएगी। तो ये बात अमेरिका की है और कोहलबर्ग साहब ने बहुत ध्यान से इस चीज को देखा कि एक इनका एक करीबी मित्र, एक जानने वाले व्यक्ति था जिसका नाम हिंज था। एक जानने वाला व्यक्ति था जिसका नाम हिंज था। हिंज की पत्नी को एक प्रकार का कैंसर था और एक शाम को अचानक से उसके पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उनके पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई। वो उसको हॉस्पिटल लेके गया। हिंज की कमाई बहुत कम थी, वो बहुत अमीर व्यक्ति नहीं था, बहुत ही गरीब परिवार से था। तो वो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेके गया। वो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेके जब जाता है तो डॉक्टर एक दवाई लिखते हैं और कहते हैं, ये दवा अगर ले आओगे तो तुम्हारी पत्नी की जान बच जाएगी। अगर ये दवा आ गई तो तुम्हारी पत्नी की जान बच जाएगी। हिंज कहता है ठीक है, और डॉक्टर बता देता है कि यह दवा सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर पे मिलती है जिसका नाम है श्रीराम मेडिकल स्टोर। किस मेडिकल स्टोर पे वो दवा मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ श्रीराम मेडिकल स्टोर पे, लखनऊ वाले श्रीराम मेडिकल स्टोर। अब चलता है हिंज दवा लेने। वो जाता है, कहता है, भैया मुझे ये दवाई दे दो, डॉक्टर साहब ने लिख के दी है और ये दवाई मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो वो ठीक है, कहता है हाँ ठीक है, मेरे पास ये दवाई है, आपको दवाई तुरंत मिल जाएगी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपकी पत्नी बच जाएंगे, परेशान मत होइए। जाते हैं, एक व्यक्ति जाता है उधर से दवा निकाल के लाता है, और जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हिंज गरीब था, तो कहता है ओनली $250 ओनली। अमेरिका में डॉलर चलता है तो आप बोलता है कि $250 ओनली। अब $250 ओनली उसने तो लगा दिया ओनली, लेकिन इधर जो हिंज महोदय हैं इनकी तो नानी याद आ गई, क्योंकि ये तो अपनी जेब में $50 ही सिर्फ लेके आए थे। ये $50 लेके आए थे, इन्होंने सोचा था ये कि $20-25 की होगी, $20-25 उधर डॉक्टर को हॉस्पिटल में दे देंगे, पूरा खर्चा मेरा निपट जाएगा। लेकिन इन्होंने $250 बोल दिया, हम जेब में रखे हैं $50, अब टोटल हमको $200 की और व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कहता है भैया दवाई दे दीजिए, अभी आप $50 मेरे पास है, रख लीजिए, मेरी पत्नी की जान बहुत खतरे में, प्लीज भैया मुझे दे दीजिए। लेकिन दुकानदार का चूंकि व्यवसायिक होता है, उसके यहां तो रोज ऐसे एक ना एक पेशेंट आते हैं, वो मना कर देता है, कहता है भैया आपको दवाई चाहिए, ये दवाई बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत महंगी है, इसलिए सब कोई रख नहीं पाता है, मैं रखता हूं, आपको $250 देना होगा, $250 जब आप देंगे तभी ये दवा हम आपको दे पाएंगे, ठीक। अब वो जाता है हिंज परेशान कि उसको दवाई नहीं दी गई। हिंज जाता है अपने नात, रिश्तेदार, दोस्त, व्यवहार, जितना कुछ भी होता है, मालिक जिसके यहां काम करता था, सबको, सबसे पैसे मांगता है कि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, कोई मेरी हेल्प कर दो। तो कोई करता है और कोई नहीं भी करता है। इस तरह से हिंज के पास $100 और इकट्ठे हो गए। अब हिंज के पास हो गए टोटल कितने? $150। अब वो सोचता है कि दुकानदार भी थोड़ा मान जाएगा और हम भी थोड़ा और बजट बढ़ा के जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत हो जाएगा, उस थोड़ी उधारी कर देंगे, बाद में कमा के चुका देंगे। फिर से जाता है हिंज दुकानदार के पास। डॉक्टर बोल देता है कि अगर सुबह तक इनको यह दवा नहीं दी गई तो इनका बचना मुश्किल। हिंज को एक और टेंशन कि एक तो पैसे नहीं है, ऊपर रात भर में अगर ये दवा नहीं चढ़ी तो सुबह तक मेरी पत्नी नहीं बचेगी, बहुत टेंशन में। वो जाता है दुकानदार से, कहता है भैया मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मांग जांच के मेरे पास $150 हो गए हैं, आप प्लीज मुझे वो दवा दे दीजिए, मेरे पत्नी की जान बच जाए, उसके बाद मैं आपके बचे हुए जो $100 हैं
वो भी मैं आपको चुका दूंगा, कमा के चुका दूंगा थोड़ा, बस मेरी पत्नी की जान बच्चे, इतनी सहूलियत मेरे साथ कर दीजिए कि अब तो मैं आपको $150 दे रहा हूं, $100 की बात बचती है तो वो $100 मैं आपको कमा के दे दूंगा, मेरे अंदर बिल्कुल बेईमानी नहीं है, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, मैं दे दूंगा आपको, भरोसा रखिए। लेकिन फिर मेडिकल स्टोर वाला कहता है भैया इस तरह से तो चार लोग आएंगे पर डे हमारे $100 मार के चले गए, तो हम 400, हम इतना नैतिकता कहां से दिखाएंगे, इतनी नैतिकता हमारे अंदर नहीं है, या ना तो इतनी इतना किसी से हमको प्यार है, हम नहीं दे पाएंगे, हमको आप पूरा पैसा दीजिए, आप अपनी दवाई ले जाइए, हमको दवाई देने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पैसा तो मैं पूरा ही लूंगा। हिंज फिर परेशान हो जाता है, बच जाते हैं रात के 11:30 और वो श्रीराम मेडिकल स्टोर वाला दुकान का शटर डाउन करके अपने घर चला जाता है और हिंज वहीं बाहर परेशान बैठा रहता है। उसको लगता है कि अब शायद मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाऊंगा। इतने में हिंज बैठा रहता है, जब वो सारे तरीके सोच लेता है तो उसको लगता है अब कोई तरीका नहीं बचा है कि वो चार पैसे भी बचा पाए, तो हिंज के पास अब एक ही ऑप्शन बचा। कौन सा ऑप्शन बचा कि किसी भी तरीके से अगर वो इस दुकान का शटर उठा के और वो दवा चोरी कर लेता है तो उसके पत्नी की जान बच सकती है, क्योंकि पैसे तो अब और नहीं आ पाएंगे। तो इस तरीके से हिंज के दिमाग में यहां से आपको समझने वाली बात शुरू होती है, जो आपका सिद्धांत है बस उसी पॉइंट से है। हिंज सोचता क्या है कि अब दवा चोरी कर लेना ही मेरे पास एकमात्र ऑप्शन है, लेकिन दूसरे ही समय हिंज के दिमाग में एक बात आती है कि मैंने जीवन में कभी किसी से झूठ नहीं बोला, मैंने कभी जीवन में चोरी नहीं की, चोरी करना पाप होता है, मैं जानता हूं कि चोरी करना बहुत गलत बात है, चोरी करना बहुत गलत बात है। यहां से देखना हिंज के दिमाग में दो बातें आती हैं नैतिकता से रिलेटेड, कि अगर मैं एक पति धर्म का पालन करता हूं और अपने पति की एक पति का कर्तव्य होता है कि वो अपने पत्नी की हमेशा रक्षा करेगा, और अगर वो अपने पत्नी की रक्षा करता है तो फिर क्या होगा, उसको चोरी करनी पड़ेगी, चोरी करना बहुत गलत बात है, चोरी करना पाप है, चोरी करना अपराध है, उसे जेल जाना पड़ सकता है, इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लेकिन अगर वो चोरी नहीं करता है, अगर वो दूसरा ऑप्शन नहीं लेता है, चोरी नहीं करता है, तो क्या होगा, उसकी पत्नी मर जाएगी और एक पति का कर्तव्य भी वो नहीं निभा पाएगा। तो क्या हुआ, यहां से दो पॉइंट्स निकली नैतिकता की, कि या तो पत्नी की जान बचाओ या तो चोर बन जाओ। ठीक है, लास्ट में हिंज क्या करता है कि वो दुकान से दवा चुरा लेता है और जाके अपनी पत्नी की जान बचा लेता है। और या तो हिंज दवा चुरा लिया, अपनी उसकी पत्नी की जान बच गई, या फिर नहीं चुराई दवा और उसकी पत्नी की जान चली गई। दो चीजें हुई, यहां से दो नैतिकता निकल के आई। बस यही सेम चीज कहा है आपके कॉलबर्ग साहब ने कि जो हमारी नैतिकता होती है, ये नैतिकता ऐसे ही नहीं आती, कि नैतिकता सीधी रेखा में, नैतिक विकास जो है वो सीधी रेखा में नहीं होता है कि आपको हम सिखाते चले गए और आप सीखते चले गए और आपके अंदर नैतिकता आती चली गई। नैतिकता जो है वो सीधी रेखा में ना होकर नैतिक तर्कणा का परिणाम होती है। नैतिक दुविधा जो है वो नैतिक तर्कणा का परिणाम होती है। ये बात समझ में आ गई बेटा? अगर ये आ गई होगी, ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस सिद्धांत को समझने में। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। चलिए तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने यानी कि कोहलबाग ने, इन्होंने कहा कि नैतिक विकास सीधी रेखा में ना होकर नैतिक तर्कणा का परिणाम होती है। सीधी रेखा में ना होकर नैतिक तर्कणा का परिणाम होती है। चलिए तो इस पॉइंट को आप लोग इस पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और मैं आपको फिर आगे की कहानी समझाता हूं कि क्या होता है नैतिक तर्कणा।
चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नैतिक तर्कड़ा, नैतिक तर्कड़ा ये आपका एक हिंदी का वर्ड है, नैतिक तर्कड़ा। इसको हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नैतिक मीन्स होता है मोरल, तर्कड़ा का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट। नैतिक तर्कड़ा को हम लोग क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? मोरल कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा क्या होती है मोरल कॉन्फ्लिक्ट? जब दो चीज में आपको दुविधा उत्पन्न हो, जब दो चीजों में आपको दुविधा उत्पन्न हो और आपको डिसाइड करने में दिक्कत हो कि मुझे इस रास्ते को लेना है या इस रास्ते को लेना है, कौन सा सही रास्ता है, उसी सिचुएशन को बोलते हैं नैतिक तर्कड़ा। ठीक है, इसको एक पॉइंट में लिखते हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि नैतिक तर्कड़ा की, नैतिक तर्कड़ा, नैतिक तर्कड़ा वह अवस्था होती है, उन्होंने कहा कि नैतिक तर्कड़ा वह अवस्था होती है, उन्होंने कहा कि नैतिक तर्कड़ा वह अवस्था होती है जब व्यक्ति, कहा नैतिक तर्कड़ा वह अवस्था होती है जब व्यक्ति, जब व्यक्ति विरोधाभासी विचारों में, विरोधा विरोधाभासी विचारों, विरोधाभासी विचारों में से एक के चयन, में से एक के चयन, में से एक के चयन के लिए, में से एक के चयन के लिए चिंतन करता है। मतलब जैसे हिंज के दिमाग में दो विचार आए थे, पहला विचार आया कि उसे चोरी करनी चाहिए कि नहीं, उसे अपनी पत्नी की जान बचाना जरूरी है या चोरी करना, तो यहां पे दो विचार आए। अब वहां पे वो बैठा सोच रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, तो बस वही चीज लिखी है कि व्यक्ति विरोधाभासी विचारों में से एक के चयन के लिए चिंतन करता है, चिंतन करता है। ठीक है, तो ये हो गई आपका नैतिक तर्कड़ा। नैतिक तर्कड़ा बेटा समझ में आ गई ना? देखो कोहलबर्ग ने जो अपना सिद्धांत दिया है, कोहलबर्ग, कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत, कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत तीन चरणों में प्रस्तुत किया है, तीन चरणों में कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत तीन चरणों में प्रस्तुत किया। मतलब तीन स्टेप बताए इसके, कि जो मोरल डेवलपमेंट होता है वो तीन स्टेप में होता है, ना कि एक बार में हो जाता है, तीन तीन चरणों में होता है। ठीक है, कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत तीन चरणों में प्रस्तुत किया तथा प्रत्येक के, मतलब हर एक चरण के, तथा प्रत्येक के दो, तथा प्रत्येक के दो उपचरण बताए, तथा प्रत्येक के दो उपचरण बताए। ठीक है, तो हमको यहां से यह जानना है कि इन्होंने टोटल तीन स्टेप्स बताए हैं मोरल डेवलपमेंट के, या नैतिक विकास के तीन स्टेप्स बताए हैं, और उन तीन स्टेप्स को बताने के बाद अब हमको जानना है वो तीनों स्टेप्स में, मतलब हर स्टेप को दो भागों में बांट दिया, एक एक को दो में बांट दिया है। ठीक है,
आराम से देखते हैं कि कौन कौन से चरण उन्होंने बताए हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर लेते हैं अपना पहला चरण। पहला चरण, ठीक है, पहला जो चरण है हम इनका, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व नैतिक अवस्था। पूर्व नैतिक या फिर पूर्व नैतिक या फिर पूर्व परंपरावादी पूर्व नैतिक पूर्व परंपरावादी आप चाहो तो एक और लिख लो पूर्व रूढ़वादी अवस्था। पूर्व नैतिक पूर्व परंपरावादी अवस्था कितने से कितने साल, तो यह होती है आपकी 3 से 10 साल तक के बच्चों के लिए। 3 से 10 साल के बच्चों में कैसी नैतिकता पाई जाती है, इस अवस्था को कहा गया है पूर्व नैतिक अवस्था। आपको वैसे भी सहसवा अवस्था का जब गुण आपने पढ़ा होगा तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो सहसवा अवस्था होती है वहां पे नर्सिज्म का गुण पाया जाता है, स्वप्रेम का गुण पाया जाता है और नैतिकता शून्य होती है। नैतिकता का विकास जो है वो बाल्य अवस्था से शुरू होता है, सहसवा अवस्था में नैतिकता शून्य होती है। तो पूर्व नैतिक अवस्था रखा है इन्होंने 3 से 10 वर्ष तक के लिए। कितने से? 3 से 10 वर्ष के लिए। अब यहां से दो पार्ट्स आपके हो गए। जो आपका पहला पार्ट है उसको बोलते हैं यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता। यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता, यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता या अहम केंद्रिता, यांत्रिक सापेक्ष या फिर अहम केंद्रिता पाई जाती है बालक में। यांत्रिक सापेक्ष या फिर अहम केंद्रिता, इधर क्या होता है दंड एवं आज्ञा पालन। यहां पे क्या है, यहां पे है दंड एवं आज्ञा पालन। मतलब अब चूंकि बच्चा छोटा है तो यहां पे माता पिता का नियंत्रण चलता है, माता पिता माता पिता का नियंत्रण। अब यही जो दो सिचुएशंस आपकी आपको दी गई हुई हैं, यही है नैतिक तर्कड़ा या नैतिक दुविधा, यही है। दो सिचुएशन है, एक यांत्रिक सापेक्ष यानी कि मोटर मैकेनिकल, यांत्रिक है मैकेनिकल, आपके अंदर नैतिकता कैसी है मैकेनिकल है कि आपको जैसा कह दिया गया वैसा ही करना है। दूसरा क्या है दंड एवं आज्ञा पालन, कि अगर ऐसा नहीं करेंगे डर के कारण हम काम करते हैं, आज्ञा मम्मी ने कहा है इस वजह से करना है, पापा ने कहा है तो यानी कि ठीक ही कहा होगा इसको करना है। ये सिचुएशन हो गई, करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो दंड मिलेगा, तो ये डर की वजह से इंसान करता है। और दूसरी क्या होती है यांत्रिक सापेक्ष अहम केंद्रता होती है कि नहीं मारेंगे तो मारेंगे मुझे ऐसा ही करना है, ये हो जाती है दूसरी सिचुएशन। तो पहली सिचुएशन में अहम केंद्रता मतलब जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगा, दूसरा नहीं लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो मम्मी मारेंगी, ये एक कारण हो जाता है करने का। तो यहां पे पूर्व नैतिक अवस्था में ये दो आपको स्टेजेस मिलेंगे, इसको याद रखना है, यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता दंड एवं आज्ञा पालन। ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है कि दंड एवं आज्ञा पालन किस अवस्था में होती है, पूर्व नैतिक अवस्था में। यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता किस अवस्था में होती है, पूर्व नैतिक अवस्था में। लेकिन यहीं पर आपको दो चीजों में क्या हुआ, नैतिक दुविधा उत्पन्न हुई। यही कहा था कि हमेशा आपको दो चीजें मिलेंगी, अब उसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा वाला फॉलो करना है। बच्चा क्या सोचता है, जब बच्चा इस अवस्था में रहता है तो क्या सोचता है कि सारी मिठाई कोई मुझे ही दे दे, कोई कुछ ना खाए, सारी मिठाई दो, ये बच्चे की सोच होती है। लेकिन यहां पे क्या होता है दंड एवं आज्ञा पालन के कारण डर रहता है कि अगर सारी मिठाई खा गए भाई को कुछ भी नहीं दिए तो मार पड़ जाएगी, तो कुछ मिठाई
कुछ मिठाई भाई को दो। कुछ मिठाई भाई को दो। अब देखो यही चीज से बेटा इसको समझ लो, यहां से समझ गए तो पूरा फंडा समझ जाओगे। यहां ये क्लियर तो पूरा फंडा क्लियर। देखो सिंपल सी बात है, आपका अवस्था कौन सी है? पूर्व नैतिक अवस्था। यहां पे आपको यांत्रिक साप दो अवस्थाएं हैं। पहली बात कब से कब तक? तो 3 से 10 वर्ष तक। यहां पे दो प्रकार से, एक तो मैकेनिकल या इंस्ट्रूमेंटल नैतिकता होती है, यांत्रिक नैतिकता होती है। अहम केंद्रता होती है बालक के अंदर कि जो कुछ भी है वो सब कुछ उसे ही मिलना चाहिए, ऐसा उसकी सोच होती है। ठीक है, ये उसकी सोच होती है। लेकिन उसके अंदर नैतिकता कौन लेके आता है? दंड एवं आज्ञा पालन, डर। डर उसके अंदर लेके आता है कि नहीं अगर हमने ऐसा किया तो हम मेरी पिटाई हो जाएगी और मम्मी मारेंगी पापा मारेंगे। इस वजह से माता पिता का नियंत्रण होने की वजह से वो कुछ कार्य करता है और नैतिकता लेके आता है अपने अंदर और कुछ मिठाई भाई को दे देता है। तो ये उसके खुद की नैतिकता नहीं है, ये किसकी वजह से है? ये है दंड एवं आज्ञा पालन की वजह से। चलिए फिर हम लोग सेकंड अपना देखते हैं। जो हमारा सेकंड है, पहला था हमारा पूर्व परंपरावादी या पूर्व नैतिक, दूसरा क्या है हमारा परंपरावादी। परंपरावादी ऑब्लिक नैतिक अवस्था, परंपरावादी ऑब्लिक नैतिक अवस्था। ठीक है, ये क्या है? यह है परंपरावादी ऑब्लिक नैतिक अवस्था। या तो इसको आप परंपरावादी अवस्था बोल सकते हो, या तो नैतिक अवस्था बोल सकते हो, या तो रूढ़िवादी अवस्था भी बोल सकते हो, अगर आप चाहो तो उसको भी लिख सकते हो। ये कब से कब तक के लिए होती है? तो ये होती है आपकी 10 से 13 साल तक। वो 2 से 10, ये 10 से 13 साल के बच्चों के लिए होती है। अब इसको भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इस नैतिकता को जब हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो पहला आता है हम बच्चे के अंदर नैतिकता क्यों आती है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की वजह से एक नैतिकता आती है। ठीक है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की कि मुझे अच्छा बच्चा बन के दिखाना है, मुझे अच्छा बाबू बनना है, मुझे तारीफ पानी है, तो यहां पे नैतिकता अच्छा बनने की वजह से होता है। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था। गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज है ये। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था, अच्छा लड़का लड़की अवस्था की ये अवस्था है आपकी। और फिर यहां पे नैतिकता किस वजह से? दूसरी जो स्टेज है वो क्या होती है? कानून एवं व्यवस्था अवस्था। कानून एवं व्यवस्था अवस्था, कानून एवं व्यवस्था अवस्था। दूसरा क्या है? कानून एवं व्यवस्था अवस्था। यहां पे बालक खुद को आत्मनिर्भर समझता है, वो चाहता है कि मैं आत्मनिर्भर रहूं। आत्मनिर्भरता। अब अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था से आप क्या समझते हो? देखो अच्छा लड़का अच्छी लड़की से की बात जो होती है उससे हमको यह समझ में आता है कि यहां पे क्या होगा, यहां पे बच्चा चाहता है कि मुझे तारीफ मिले। मम्मी पापा क्या समझाएंगे? बेटा वर्मा जी के बेटा बहुत अच्छा है, कितना अच्छा करा। पांडे जी का बेटा कैसा है? देखो उसकी तरह कुछ बनो। शर्मा जी का बेटा कैसा है? शर्मा जी का बेटा तो वैसे भी जान रहे हो नाम कर रहा है आजकल, तो शर्मा जी के बेटे जैसा बनो। तो ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की क्या होती अवस्था है? जब आपको किसी को आप फॉलो करते हो, किसी का अनुसरण करते हो तो उसके जैसा बनते हो। तो जब आप किसी को फॉलो करते हो और उसके जैसा बनने की कोशिश करते हो तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की वो अवस्था होती है। तो यहां का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि शर्मा जी के बेटे जैसा बनो। शर्मा जी के बेटे जैसा बनो।
और यहाँ पे कानून एवं जो व्यवस्था अवस्था होती है, यहाँ पे बालक की नैतिकता क्या कहती है कि लाख अच्छा होगा पढ़ाई में शर्मा जी का बेटा, मैं उसके जैसा क्यों बनूं, मैं नहीं बनना, मुझे नहीं मानना किसी का कहना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए ये चीजें, वो पढ़ने में अच्छा है तो मैं क्रिकेट में अच्छा हूं, वो पढ़ाई में नाम रोशन करेगा तो मैं क्रिकेट में अपना नाम रोशन करूंगा, लेकिन मुझे उसके जैसा नहीं बनना है। बहुत चिढ़ होती है बच्चों को जब कोई कहता है कि उनके लड़के को देखो जरा कितना बढ़िया पढ़ रहा है, और एक खुद को देखो, लड़के एकदम खौरिया जाते हैं, क्या कह दिया, मतलब लगता है गोली मार दिया है कोई। तो इस तरह से ये कोई भी बच्चा करने नहीं चाहता, बस तारीफ पाने के लिए कभी ना कभी कोई जब अनुसरण करता है तो इस अवस्था में रहता है। लेकिन चूंकि बालक कानून एवं व्यवस्था अवस्था में रहकर खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, वो सोचता है मैं अपने डिसीजन मैं खुद की तरह बनूंगा, मैं अपने जैसा बनूंगा, मैं अपने डिसीजन स्वयं लूंगा, तो यहां पे क्या होगा कि मैं अपना निर्णय स्वयं लूंगा, मैं अपना निर्णय, मैं अपना निर्णय स्वयं लूंगा। तो इन दो यहां पे क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में नैतिक दुविधा आती है बालक के अंदर कि मुझे इसको फॉलो करके अपनी जिंदगी गुजारनी है या मुझे ये वाला फॉलो करना है। तो यही बीच में हो जाएगा क्या, यही बीच में दोनों के बीच में आ जाएगी नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा नैतिक दुविधा। क्लियर? तो ये हो गई आपकी सेकेंड स्टेज। कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो बता देना कमेंट करके, कमेंट में डाल देना, हम लोग उसको दोबारा ऐसे समझ लेंगे। बहुत बेहतरीन से, बहुत आराम आराम से मैंने आपको ये समझाया है। अब हम लोग को नेक्स्ट बात करनी है इसकी लास्ट स्टेज की। इसकी लास्ट स्टेज जो है थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज क्या होती है, इसको बोलते हैं उत्तर परंपरावादी, पोस्ट मोरल। उत्तर परंपरावादी या फिर उत्तर नैतिक, उत्तर परंपरावादी या फिर उत्तर नैतिक अवस्था, ठीक है। अब उत्तर परंपरावादी उत्तर नैतिक अवस्था से क्या समझ रहे हो बेटा, पहली चीज तो ये किस एज में आती है, ये स्टेज कौन सी एज में आती है, हम लोग को ये जानना है। तो इसकी एज जो है वो है 13 से 16 साल, 13 to 16 years। उत्तर परंपरावादी या उत्तर नैतिक अवस्था कौन सी अवस्था होती है, 13 से 16 साल के बच्चों में होती है ये अवस्था। इसके जब हम लोग दो पार्ट्स करते हैं तो जो पहला पार्ट होता है यहां पे, इसमें क्या होता है, यहां पे होता है सामाजिक अनुबंध, सामाजिक अनुबंध, अपना अपना हित देखा जाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं सामाजिक अनुबंध को। यहां बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा समझदार हो गया है, तो यहां पे सामाजिक अनुबंध हो जाता है, अपना अपना हित देखा जाता है। अच्छा, अपना अपना हित देखना, ये सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं कि यहां पे हम लोग अपना अपना हित देखते हैं। कैसे, अभी बहुत अच्छे से एग्जांपल के साथ बताऊंगा, आप इसको फील करोगे। यहां पे आप समझदार हो गए थे, आप भी ऐसे करें तो आपको ये याद है, ठीक है, यहां आपको बिल्कुल नहीं। दूसरी नैतिकता क्या होती है, यहां पर दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सार्वभौमिक नैतिकता, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे परोपकार। सार्वभौमिक नैतिकता या परोपकार, ठीक है। अब यहां से समझो, इसके दो पार्ट्स दिख रहे हैं, पहला क्या है, इधर होगा सामाजिक अनुबंध, पहला क्या है सामाजिक अनुबंध, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है सार्वभौमिक नैतिकता या परोपकार। सामाजिक अनुबंध में क्या होता है कि अपना अपना हित दिखाई देता है कि आप अपने लिए करो, मैं अपने लिए करूंगा, ठीक है। जैसे कि ये तो आप लोग बहुत अच्छे से कमेंट कर कनेक्ट कर पा रहे होगे कि कैसे होती है सामाजिक अनुबंध, कैसे
बताइए, एक एग्जांपल दीजिए आप लोग। घर में भी सुना होगा इस चीज को कि जब वो खुद कुछ जब वो जब कल को मेरी जरूरत थी वो काम मैंने जब उनकी जरूरत थी तो मैंने काम आया, हम काम आए उनके हम लोग, लेकिन आज जब हमारी जरूरत है तो वो काम नहीं आ रहा, अब हम भी उनके काम नहीं आएंगे। ठीक है, होता है भाई, देखो आज तुम मेरे काम आओ कल हम तुम्हारे काम आएंगे, होता है ना ऐसा। यही तो सोच है आजकल की लोगों की सबकी कि तुम मेरे काम आओ भाई, आज आप मेरे काम आएंगे तो कल हम भी आपके काम आएंगे, आज हमारे पीछे चार लोग खड़े हैं तो कल आपके पीछे भी चार लोग खड़े हो जाएंगे, यही तो होता है। आज के समय में कोई किसी का सपोर्ट क्यों करता है कि आज इनका भला होगा तो कल ये, आज हम इनके यहां खड़े होंगे इनकी मदद करेंगे तो कल ये मेरी भी मदद करेंगे, ये हो गई एक बड़ों वाली बात। अब बच्चों की बात करें जो 13 से 16 साल, उनका क्या होता है, एक बेसिक से एग्जांपल बच्चों वाला लेते हैं। बच्चों की यहां पे क्या सोच हो जाती है कि कल तुम टिफिन नहीं लेके आए थे तो मैंने तुमको अपनी टिफिन दी, आज तुम मुझे अपनी टिफिन करवाओगे। अच्छा, जब स्कूल से बाहर बच्चे निकलते हैं तो क्या कहते हैं, कल तुमको समोसा खिलाए थे आज तुम हमको समोसा खिलाओगे, कॉन्ट्रैक्ट रहता है एकदम फिक्स कि आज तुमको समोसा खिलाएं तो कल तुम हमको समोसा खिलाओगे, और नहीं तो आगे से हमारे हाथ से समोसा पाओगे नहीं, हम किसी दूसरे खिला देंगे लेकिन तुमको नहीं खिलाएंगे, होता है। तो बस वही चीज है कि सामाजिक अनुबंध होता है, अपना अपना हित देखा जाता है। कि समझ में आ गई ना बात बेटा, आप बताओ इससे ज्यादा और कुछ समझाएं, और एग्जांपल दें, आया नहीं आया, एक और समझो। अच्छा, ये तो समझ में आ ही रहा होगा ना कि अगर, अच्छा ये वाला एग्जांपल तो बहुत क्लियर है कि अगर आपने जैसे चार मित्र छुट्टी होती है, आप स्कूल से जब बाहर निकलते थे तो आपने क्या देखा होगा कि आपने जब किसी बच्चे को, आपने किसी अपने दोस्त को आज समोसा खिलाया होगा, तुरंत उससे बोल दिया होगा अपना समोसा उसके बेचारा पहला कौर बाद में काटा होगा, आपने पहला यही बोला होगा कि सुनो आज हम खिला दिए, कल पैसा लेके आना, कल तुम खिलाओगे, कल तुम्हारी बारी है, ये हुआ ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यही सामाजिक अनुबंध, अपना अपना हित देखना। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिख लीजिएगा, तुम कल समोसा खिलाओगे, कल तुम समोसा खिलाओगे, तुम कल समोसा खिलाओगे, आज मैंने खिलाया है, आज मैंने खिलाया। तो यहां पे क्या हुआ, लोग अपने अपने हित देख रहे हैं, और या तो आपके अंदर अगर दूसरे टाइप वाली नैतिकता पाई जाएगी, यानी कि सार्वभौमिक नैतिकता पाई जाएगी, परोपकार की भावना पाई जाएगी, तो यहां से क्या होगा, यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर नैतिकता सार्वभौमिक है तो आप क्या कहोगे, कोई गरीब दोस्त है आपके साथ, वो गरीब है तो आपको पता नहीं था, आप उसके हिस्सा मान लीजिए खाना नहीं लेके आए, अब आपको भी भूख लगी है, लेकिन आप सोचोगे यार हम सुबह तो खा के आए थे, ये बेचारा सुबह भी खा के नहीं आया था, और हम टिफिन भी लेके आए हैं, अभी घर जाएंगे फिर खाएंगे, इसके घर में थोड़ी सी दिक्कत है, ये सुबह भी नहीं खा के आया तो इसको तो इस टाइम तक बहुत भूख लगी होगी, तो आप इससे क्या कहेंगे, जब आपको ये पता लगे सुबह भी खा के नहीं आया है, इसको इस टाइम भूख भी लगी होगी, और मैं तो सुबह खा के आया था, टिफिन भी लाया हूं, फिर खाऊंगा, फिर जाऊंगा घर खाऊंगा, इसको पता नहीं फिर घर जाने के बाद मिले कि ना मिले, ये कैसे पढ़ेगा, तो मैंने तो एक टाइम खाना खा लिया। यहां पे आप क्या कहोगे, सार्वभौमिक नैतिकता कि मुझे भूख नहीं है तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है, तुम पूरा खा लो। ऐसा होता होगा ना कभी कभार, जब आपका कोई प्रिय मित्र खाना लेके नहीं आता था तो आप क्या करते थे, भाई तुम खा लो पूरा, जैसे लगा कि ये परेशान है, वैसे तो नहीं मित्रों में तो ये तो बिल्कुल नहीं चलता है, लेकिन हाँ अगर आपको लगा ये परेशान है तो आपको, अरे भाई तुम पूरा खा लो, पूरा खा लो, तुम हमको नहीं खाना है, मेरा मन ही नहीं कर रहा है, जबकि मन अंदर से था लेकिन मन मार दिया ताकि वो खुश रहे। ठीक है, तो मुझे भूख नहीं है तुम पूरा खा लो, ये सार्वभौमिक नैतिकता के स्टेज में आएगा, तो आपके अंदर परोपकार की भावना आ जाएगी। ठीक है, अब बेटा तीनों पॉइंट समझ में आ गए ना, कुछ बातें कर लेते हैं सिद्धांत के बारे में, और हेडिंग बना लीजिएगा की पॉइंट्स। की पॉइंट्स, पहला, यह सिद्धांत महिलाओं की बात नहीं करता। ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ये महिलाओं के बारे में बिल्कुल भी टेस्टिंग इस पे नहीं की गई थी, ये एक कमी थी।
यह सिद्धांत महिलाओं की बात नहीं करता। यह सिद्धांत महिलाओं की बात नहीं करता, ठीक है। दूसरी पॉइंट, यह सिद्धांत सार्वभौमिक है, मतलब इसको यूनिवर्सल बनाया गया है। यह सिद्धांत सार्वभौमिक है, इसमें अलग अलग संस्कृतियों के अलग अलग संस्कृतियों पर पड़ने वाले अंतरों को ध्यान नहीं दिया गया। अंतरों को ध्यान नहीं दिया गया, अंतरों को ध्यान नहीं दिया गया। तीसरा क्या है, तीसरी पॉइंट है कि यह जरूरी नहीं है कि उनके द्वारा बताई गई अवस्था उसी उम्र में हो उनके द्वारा बताई गई अवस्था उसी उम्र में हो, मतलब ये आगे पीछे भी हो सकता है। जो गुण बताए हैं इन्होंने, जो आपने अभी सारे गुण पढ़े, टोटल 6 गुण पढ़े, ये जरूरी नहीं कि अगर 13 से 16 लिखा है तो ये 14 नहीं हो सकता। ये 12 में भी आपको देखने को मिल सकता है, या एक साल लेट भी हो सकता है, या आपको 14 में भी देखने को मिल सकता है, पर देखने को सभी बालकों में मिलेगा। तो ये रहा आपका टोटल जो आपका सिद्धांत था। एक बार हम लोग बैक करके पीछे चलेंगे और एक एक पॉइंट्स देख लेंगे, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग जर्मन मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, हिंज पे प्रयोग किया, हिंज की पत्नी को कैंसर था। इन्होंने कहा कि नैतिक विकास सीधी में रेखा में ना होकर नैतिक तर्कणा का परिणाम होता है। फिर आपको समझाया मैंने नैतिक तर्कणा क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोरल कॉन्फ्लिक्ट। बकायदा मैंने आपको डिटेल में समझाया। उसके बाद हमने 3 चरणों की बात की, पहले चरण की बात की पूर्व नैतिक, दूसरे चरण की फिर बात की परंपरावादी या नैतिक, फिर तीसरे चरण की बात की हमने उत्तर परंपरावादी या फिर उत्तर नैतिक अवस्था, जहां पर हमने सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक नैतिकता देखी। उसके बाद कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात की कि सिद्धांत महिलाओं की बात नहीं करता है, यह सिद्धांत सार्वभौमिक है, इसमें अलग अलग संस्कृतियों पर पढ़ने वाले अंतरों को ध्यान नहीं दिया गया है। फिर अब मैंने बात की यह जरूरी नहीं कि उनके द्वारा बताई गई अवस्था उसी उम्र। तो ये रही टोटल आपकी कॉलबक से जितनी भी पॉइंट्स बन सकती थी, मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पियाजे के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इन तीनों में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई पूछ तो वो है पियाजे। तो नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल को इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और मेरे साथ जुड़ना है अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।